गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फीड टुगेदर। टुडे इज अ लॉन्ग वीकेंड एंड हम लोग सोचे कि हम लोग जा रहे हैं पॉन्डिचेरी, जो साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ है। यहाँ से लगभग 7 घंटा पड़ता है। देर आर 2-3 वेज ऑफ गोइंग, तो ऑन दी वे हम लोग बताएंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे, जहाँ पे आपको बहुत सीनिक ब्यूटी मिलेगी, आपको रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा। बेस्ड ऑन ऑल आर पास्ट एक्सपीरियंसेस वी आर टेकिंग दिस रोड। तो जाते जाते हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, तो बनी रहिए हमारे साथ। एकदम सुबह सुबह की टाइम है, अच्छा लग रहा है कि रास्ता साफ सुथरा। तो पॉन्डिचेरी की ऑफिशियल नेम तो है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो सबको ही पता रहेगा जो बेंगलोर में रहते हैं कि तीनों ओर से तमिलनाडु से घिरा हुआ है और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। आज का रूट थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग नीलाद्री रोड होके इलेक्ट्रॉनिक सिटी होके होसूर को निकलेंगे। फिर एक्चुअली हम लोगों ने आज पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग किया है। हम लोग आपको बोलेंगे जैसे ही सवेरा होता है, अभी तो सनराइज़ हुआ नहीं है, तो सनराइज़ होते ही आप लोगों को समझाएंगे कि क्या पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग किया है हम लोगों ने पॉन्डिचेरी के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी का रास्ता देख के बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े ऑफिस, एकदम एक कॉरपोरेट सा फीलिंग देती है नीला। एब्सोल्युटली। ओके, अभी हम लोग अबाउट टू टच कर रहे हैं होसूर रोड। इधर से राइट लेने से हम लोग होसूर रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको NH 44 बोला जाता है। नीला इधर दिखाओ, इधर से राइट लेके हम लोग अभी सीधा होसूर के लिए निकलेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, बहुत सुंदर है। काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली ये होसूर रोड वाला NH 44 पकड़ के हम लोग होसूर की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं जब बेंगलोर आई थी, फर्स्ट जो घूमने गई थी ना, वो है पॉन्डिचेरी। 2006 दिसंबर की बात होगी। तो मेरा तो बहुत ही लगाव है पॉन्डिचेरी के साथ। साल दो साल में एक बार तो आऊँगी यहाँ पे। पर यहाँ अभी जो है, अभी मतलब फीट टुगेदर चैनल ओपन करने के बाद पहली बार है वही। तो हम लोग अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं हमारा पॉन्डिचेरी वाला एक्सपीरियंस। तो अभी रोड ट्रिप एंजॉय करते हैं, चलिए। ये देखिए, कोहरा ही कोहरा, ऐसे दिल्ली वाले सर्दी जो रहती है ना, वैसे टाइप फीलिंग्स दे रही है। और ये रहा हमारा फर्स्ट टोल। ये देखिए ट्रैफिक की हालत सुबह के 6 बजे। तो हम लोग यहाँ से बेंगलोर से लगाए कृष्णगिरी तक, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा। आगे एज एन वेन वी पुट द पॉइंट्स वी विल शो इट टू यू गाइस एज वेल। तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी के चलते ये जाम है। सर्विस रोड लेके निकलना पड़ेगा। ज़्यादा जैम नहीं है, होगा और 500-700 मीटर्स। ये जो है ना नीला, ये वाला ट्रक, ये स्पेशली वो विंडमिल का प्रॉपलर ब्लेड्स को कैरी करती है। ओ अच्छा, देखिए मतलब जैन फेब की सर्दियों में कोहरा कोहरा एकदम बढ़िया लग रहा है। कौन बोलेगा नीला, ये बेंगलोर टू पॉन्डिचेरी का रोड है। लग रहा है कहीं नॉर्थ में कहीं आ गए। अभी क्या है, धुंध इतना है कि अपने को करना पड़ा हैजर्ड लाइट ऑन। ये देखिए। और ये देखिए सुबह सुबह की व्यू कितनी बढ़िया लग रहा है। भैया इतना कोहरा था, अभी क्या बोले, लग ही नहीं रहा है कि ये बेंगलोर होसूर का रोड है। पूरा दूर से देखिए लाइट ऑन करके सब गाड़ियां आ रही हैं और हम लोग जा रहे हैं, जाएंगे उस तरफ। अगेन सब कुछ ढका हुआ है पूरा धुंध में। और यहाँ पे नीला फोटो सेशन के लिए तैयार। नीला कैसा लग रहा है? सवेरे इतना अच्छा लगता है नीला, देखो ये बाइकर लोग सवेरे को ऐसे ट्रिप पे जाते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया लगता है। इन लोगों का गैजेट्स बहुत सारे लेके वो लोग निकलते हैं, अच्छा लगता है देखने। हाँ, और क्या है ना, बाइकर लोगों का भी मतलब वंडरलस्ट होता है हमारे जैसे, बट वो लोग लाइक दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, यू नो, शानदार रहते हैं उन लोगों का राइड भी। और स्पीड बहुत जम के भगाते हैं ये लोग। एब्सोल्युटली।
रीडिंग बाइक और क्या चाहिए, एकदम कॉलेज टाइम की याद दिला रही है। यू तो लगभग साल में हर महीने ही टूरिस्ट रहते हैं पौंडीचेरी। हाउएवर द बेस्ट टाइम टू विजिट पौंडीचेरी इज बिटवीन अक्टूबर टू मंथ ऑफ मार्च। तो उसमें से भी जनवरी फेब है कूलेस्ट मंथ, तो कोशिश कीजिए अगर आपको आना है तो अराउंड जनवरी फेब आइए, बढ़िया रहेगा आपका जर्नी। ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि इट विल बी लाइक कोल्ड एज कोल्ड, बट यू विल रियली एंजॉय, इट इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट मंथ। और यही बोल के देखिए द सन राइजिंग। अभी हम लोग पहुंच गए अगला टोल जो है, तो अभी देख ही सकते हो आप लोग कितना ट्रैफिक है अभी। वो टोल के वजह से ही है। हाँ, टोल के वजह से है। और वीडियो के एंड में हम लोग कितना खर्चा आया पेट्रोल और टोटल टोल चार्जेस हम लोग डाल देंगे। ये देखिए ऑन दी वे रास्ते में एक ब्यूटीफुल सी चर्च मिल गई, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी तो बहुत ही सुबह है, इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस। सो हम लोग अभी और अराउंड 60 किलोमीटर्स हैं टू रीच कृष्णगिरी। होसूर टच करके हम लोग कृष्णगिरी निकले हैं। आप लोगों को पता ही रहेगा होसूर इज दी हब एंड दी हाउस फॉर मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो कृष्णगिरी है उसमें टेक्सटाइल बहुत फेमस है, उसकी मैंगोज का एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। तो कृष्णगिरी होके ऑन दी वे देखते हैं कोई अच्छा सा एक रेस्टोरेंट मिल गया तो वहाँ पे रुक के विल हैव समथिंग एंड देन मूव टूवर्ड्स पौंडीचेरी। नीला, हमारे व्यूअर्स को बताओ थोड़ा पौंडीचेरी, बेंगलुरु टू पौंडीचेरी जाने के क्या कन्वीनियंसेस है सब। सो देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कितने दिनों के लिए प्लान करें। 3 दिन इनफ रहता है, 2 से 3 दिन आप प्लान कर लीजिए पौंडीचेरी के लिए। कैसे जाएंगे? अगर आप कहीं से भी इंडिया से आ रहे हो पौंडीचेरी, बेस्ट प्लेस इज़ टू कम टू चेन्नई। और वहाँ से जो स्ट्रेस है टूवर्ड्स पौंडीचेरी 150 किलोमीटर्स की रहती है, बढ़िया रोड है, वो लेके आप आ सकते हैं। अगर आप बैंगलोर से आ रहे हैं मस्त रहती है कि इफ़ यू टेक अ रोड, क्योंकि अपने हिसाब से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, खाना जहाँ पे स्टॉप करना है विल स्टॉप एंड हैव, अपने हिसाब से है। अगर आप वो नहीं करना चाहते ऑल्टरनेटिवली येस यू कैन ऑफकोर्स कम इन ट्रेन, यू कैन टेक फ्लाइट, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको ट्रेन मिल जाएंगे। और अराउंड मोस्ट ऑफ द ट्रेन विल बी अराउंड 10-10.5 आवर्स की जर्नी रहती है। हालांकि डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स, पर जर्नी जो है ट्रेन में थोड़ा सा ज़्यादा है, हॉल्ट वगैरह जगह जगह पे रुक के जाते हैं। और बाय रोड अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपको विद इन 7 आवर्स यू कैन कंप्लीट। भाई फिट टुगेदर का रिकमेंडेशन तो बाय रोड ही है, आप लोगों को मालूम है हम लोगों को रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो जियोग्राफी है, ये जो टेरेन है वो चेंज होते हुए जाता है, तो नीला और मुझे वो बहुत पसंद है। एब्सोल्युटली फ्लाइट से देखिए मैं बहुत बारी चली, वो फैसिनेशन सा था अर्ली 2000 में जॉब मिलने के बाद 2006-07 में कि फ्लाइट में जाएंगे। अभी हो गया ग्राउंड में रह के आराम से थोड़ा चलेंगे रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है जयदीप बाबू को मजा, रास्ते में है नहीं कुछ ट्रैफिक, पूरा सुबह से क्रैंकी हो गया था जो है। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है बिकॉज सिटी में भी इतना ट्रैफिक रहता है, अभी हाईवे में भी निकल के ट्रैफिक कौन फेस करेगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा भगा पा रहे हैं आराम से। हाँ जी, यहाँ से चेन्नई कुछ 242 किलोमीटर है। बढ़िया, देखिए देखिए ऑन रिकॉर्ड 150 अभी कम कर रहे हैं, देखिए नहीं तो बोलेंगे नहीं मैं तो 100 के ऊपर कभी भगाता ही नहीं हूँ। देखिए ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, पूरा ओस से ढकी हुई। ये स्ट्रेच जो है आज काफी क्लाउडी है, तो मजा आ रहा है ड्राइविंग करने में। अभी पौंडीचेरी में क्या वेदर रहेगा जाके पता करते हैं। अभी कृष्णगिरी जाते वक्त ये जो रास्ता है ना, ये मतलब टू सेम लेन को ही दो भाग में डिवाइड किया वाला बन रहा है। हाँ, अभी वो दूसरा वाला रास्ते में शायद मेंटेनेंस चल रहा है। हाँ। तो इसीलिए ये रास्ता काफी बढ़िया है। हाँ, नया पिच बना है, देखो ये इज वेरी नाइस रोड। वैसा उधर भी शायद नया पिच बनाएगा, करे करे, और वो रेलिंग भी देना है ना हम लोगों को साइड। अभी देखो उधर जाके मीट हो रहा है। हाँ। अभी थोड़ी थोड़ी सुबह की रोशनी दिख रही है नीला, एकदम से बढ़िया सूरज निकल गया, वही मेरा विशफुल थिंकिंग अभी होगा नहीं। काफी सोची थी कि क्लाउड रहेगा, बढ़िया से घूमेंगे, करकती हुई धूप आ रही है अभी। हाँ।
चलो टमाटर ले लेते हैं दो तीन। हाँ ऐसे भी टमाटर के जो अप एंड डाउन राइज होते ही रहते हैं प्राइसेस ले ही लेते हैं यहाँ से। सही। और ये आ गया हम लोग का थर्ड टोल। ये फास्टैग आने के बाद बहुत इजी हो गया है। आई स्टिल रिमेम्बर कि नाइस रोड जब पहले पहले बना था और सब बैंगलोरियंस को ना तब क्रेज था कि नाइस रोड से ही आना है, मैसूर से आना है या कुछ भी, और टोल में घंटों तक बैठे रहे कि एक एक जन आके पैसे देंगे, कैश निकालेंगे, चेंज देंगे, तो वो सारे सिस्टम हट गए। ये फास्टैग आके सच में बहुत डिजिटलाइज हो गया है, बढ़िया हो गया। यहाँ से इस पॉइंट से वेलोर दिखा रहा है अनदर 70 किलोमीटर, पर हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ अच्छा सा मिल जाए हम लोग को रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट कर ले। सुबह 5 बजे से चल रहे हैं तो जबरदस्त भूख लगी है अभी, है ना? हाँ बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। ये देखो एक साई संगीत करके है रेस्टोरेंट, चले क्या वहाँ पे? हाँ चलो जाके देखते हैं कैसा है। ये पहुँच गए हम लोग साई संगीत और जाके अंदर खाना खाते हैं, चलिए। डेस्टिनेशन लगाया था, इतना भीड़ है वहाँ पे, तो जब देखे थे हम लोग बोट तो जॉय ने कुछ रिसर्च किया तो रिव्यू बहुत अच्छा था, है ना? रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई वो रिव्यू पढ़ के ही ऐसा भीड़ हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, लग रहा है मंदिर का दर्शन करने आया, ऐसा नहीं कि इडली डोसा खा रहे हैं। बहुत भीड़। तो आप लोगों को आना है तो थोड़ा जल्दी आइए कि 7:30-8 o'clock अगर हो गया ना तब तो भीड़ एकदम लंबा सा लाइन है, 50-60 लोग अभी बज रहे थे 8:30, उसमें इतनी भीड़ है, अभी 9:30 को क्या होगा पता नहीं। वही तो आप साई संगीत में तो नहीं खा पाए, वी टुक सम थिंग्स इन फ्रॉम दिस बेकरी, वहाँ से लेके हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो लगा है वो है वेलोर का। वेलोर यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर की जर्नी है। और वेलोर में क्या क्या पॉपुलर है नीला? वेलोर में तो आपको पता ही है इंस्टीट्यूशन वाइज VIT इज वेरी फेमस, राइट? उसके अलावा वेलोर का फोर्ट जो है वो ग्रेनाइट एक स्पेशल तरह का बना के रखता है, बहुत ही अच्छा है। एक वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो। अच्छा। उसके अलावा वहाँ का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भी है, कुछ टेम्पल्स हैं बहुत अच्छे, और आप लोग सबको पता है ऑल ओवर इंडिया 90s में 2000 में कोई अगर कोई मेडिकल यू नो चेकअप्स के लिए आते थे वो लोग आते थे इधर चेन्नई, नहीं तो वेलोर, तो बहुत फेमस जगह है, तो नेक्स्ट स्टॉप वही है हमारे। मतलब एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग है वो जगह, एजुकेशनली भी मेडिकली भी। तो आगे ही चलते, आपको हम लोग को मिल गया एक छोटी सी रेस्टोरेंट, पर खाना क्या जबरदस्त था, है ना? क्या बढ़िया खाना बनाया भाई साहब, मैं क्या बोलूं, बढ़िया नाश्ता हुआ हमारा। मतलब 2 प्लेट इडली वड़ा कॉफी, और मैं तो और 2 वड़ा खा गया, इतना स्वादिष्ट वो वड़ा और इडली इतना फ्लफी और सॉफ्ट था, कुल मिला के 145 रुपीज में हो गया 2 लोगों के लिए। जगह का नाम है संतोष वेज रेस्टोरेंट, बहुत ही छोटी जगह है, मतलब रास्ते के पास एकदम रास्ते से घिस के, फ्रेश था, बहुत अच्छा इतना था, इतना फ्रेश खाना था। तो अभी हम लोग हैं अम्बूर में, तो अम्बूर तो आप लोगों को सबको पता ही है, हमारी अम्बूर बिरयानी एक यूनिक स्टाइल बिरयानी बनती है यहाँ पे, जगह जगह 5-star अम्बूर बिरयानी से लाइन भरा हुआ है अम्बूर बिरयानी। अगर दोपहर को आप लोग अम्बूर के थ्रू पास करते हो उधर से बिरयानी खा के जरूर निकलिएगा, अम्बूर बिरयानी और कबाब इधर का स्पेशलिटी है और हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं फिट टुगेदर से। एब्सोल्युटली। और यहाँ से एग्जैक्टली 50 किलोमीटर है वेलोर, सो चलिए वेलोर जाके मिलते हैं। देखिए यहाँ पे भी जैतून है। नीला ये जो जैतून है ना ये बहुत मशहूर नाम है एक्चुअली चेन्नई में, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं इसके साउथ इंडिया में, लेकिन चेन्नई में जैतून सब जानते हैं, तो बैंगलोर में अभी खुली है, हम लोगों का तो आना जाना रहता है जैतून में। इन लोगों का बिरयानी इतना जबरदस्त रहता है ना, स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। घी से थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी मिलता है। हाँ घी का फ्लेवर और फ्राइड अनियंस रह दे के ये देते हैं। और जैतून में हम लोग जो क्या खाते हैं, स्वीट डिश कुनाफा। क्या यम्मी है, जरूर खाइए कुनाफा, ये एक टर्किश स्वीट डिश है,
मैं नीचे थोड़ा फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख के वो ज़रूर कहीं पे भी अगर मिलता है कुनाफा ट्राई कीजिए। बट ऑफकोर्स इट इज़ फॉर पीपल हु लाइक स्वीट्स। अगर आपको स्वीट्स ज़्यादा पसंद है, मेरे को तो बहुत स्वीट टूथ है, राइट, तो मुझे बहुत पसंद है। तो नहीं, जैसे कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कुनाफा में एक शुगर सिरप देता है, वो अपने मर्जी से आप जितना भी आपको अच्छा लगे उतना लेके आप खा सकते हैं। सो फॉर मी आई डोंट पुट द एंटायर सिरप बॉटल टू इट, आई पुट मे बी 1/4 ऑफ इट। तो हाँ, जो भी कम स्वीट भी पसंद करते हैं मेरे जैसे लोग, दे कैन ऑल्सो हैव एंड इन्जॉय कुनाफा। देखिए सूरज निकल रहा है, कभी बादलों के पीछे कभी आगे आ रही है, और ये कोहरा से पूरा ढका हुआ पहाड़। वेलोर के बाद हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं आरकोट। आरकोट भी जैसे अंबूर बिरयानी फेमस है, वहाँ पे आरकोट बिरयानी भी बहुत फेमस है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इनकी, जो फोर्ट बिल्ड है फॉर मिलिट्री रीजन के लिए, वो काफ़ी फेमस है आरकोट में। तो वेलोर से आरकोट चलते हैं, आपको डिस्टेंस भी बता देंगे, और आरकोट से जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चेयोर। और ये देखिए, ये जो रास्ता लेफ्ट जा रहा है, ये होगा वेलोर मेन सिटी की तरफ। हम लोग वो टच नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा ही सीधा नेक्स्ट रोड जो है आरकोट की तरफ निकल रहे हैं, हाईवे पकड़ के। वी आर स्टिल इन NH 48 रोड। कभी नहीं सोची थी ऐसे बीच में ऐसे कमल के फूल दिख जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोटस के फ्लावर्स है। यहाँ से चेन्नई और सिर्फ 122 किलोमीटर्स, और पॉन्डिचेरी है यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर्स। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्शन है आरकोट कांचीपुरम रोड के तरफ। नीला इधर जीपीएस में दिखाओ, तो ये देखिए इधर से हम लोग को यू टर्न करके आरकोट कांचीपुरम रोड को पकड़ना पड़ता है। ये जो रास्ता है ये आरकोट कांचीपुरम रोड है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर स्ट्रेट जाके फिर राइट टर्न लेना है। ये जो ग्राउंड दिख रहा है एज पर गूगल मैप, यहाँ पे था रिवर। रिवर तो कोसों दूर तक दिख नहीं रहा है, मे बी ड्राइड अप फॉर विंटर सीजन। दिखाती हूँ अपने गूगल आंटी क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक रिवर है, बट हाउएवर इट्स टोटली ड्राइड एंड इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। ये देखिए जॉय सो रहा है आराम से। भैया ये आरकोट कांचीपुरम रोड में आके मेरे को आ गई बहुत नींद। वो जो इडली वड़ा का इफेक्ट है ना, अभी किक इन किया। रात को कुछ ज़्यादा देर तक सो नहीं पाए, थोड़ा काम भी था ऑफिस का, वो सब रैप अप करके फिर सोते सोते लेट हो गए, फिर सवेरे को 4-4:30 बजे उठ गए, तो नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी। वो अभी क्या है, वो गाड़ी में पावर नैप ले लिया 15-20 मिनट का मस्त। वो बाजू से एक ऐसा एक बस घुस मतलब पास किया इस सब स्पीड में, मेरे को लगा भूकंप आ गया है। मैं उड़ गया फिर नींद से भाई। भूकंप मेरे हिसाब से है ना, कि कभी अगर नींद आए ऑन दी वे, जर्नी छोटी है बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे पहले वाले दिन काफ़ी अच्छी रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट है। पर कभी कभी क्या होता है, ऑफिस के कारण रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, एंड दोज आर द टाइम्स अगर आपको नींद आए। वैसे नहीं है कि नींद के बीच में आपको रास्ते में चलाना है, यू टेक अ गुड नैप 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर, फिर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चलाना सेफ है, जल्दी पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग सेफ। तो आप लोग कहीं भी जाते हो अगर लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए अगर आप तैयारी करते हो, इंश्योर दैट यू आर प्रॉपरली रेस्टेड। नींद आ जाए रास्ते में कोई बात नहीं, सो लो थोड़ी देर, गाड़ी साइड में करके गाड़ी किनारे करके सेफली आराम से सो लो, उसके बाद देन रिज्यूम योर जर्नी। बट प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, ट्राई टू मिक्स एंड मैच वाइल द ट्रैवलिंग इज हैपनिंग। लाइक अभी पहले मैं चुपचाप बैठ के बहुत बोर्डम हो रहा था, तो अभी मैं पहन लिया गाड़ी में टोपी पहन के, अभी मस्त धूप उतना चक्कर पे नहीं गिर रहा है, आंखों में नहीं गिर रहा है,
तो थोड़ा हेल्प हो रहा है. तो मिक्स एंड मैच योर जर्नी सो दैट यू नो यू कीप इट टाइम टू टाइम. बाहर निकलिए, स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा. ऐसा नहीं है कि हर बार खाने के टाइम ही रुकना है, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो साइड सीट में बैठे हैं, एटलीस्ट टू मी इट हैपेंस दिस डेज, अगर एक साथ मैं 11-12 घंटा बैठ जाऊँ तो पैर सूज बूझ जाता है. तो अवॉइड ऑल दिस. बीच बीच में स्ट्रेच कर लीजिए, आधे घंटे एक घंटे में. बस आपका जर्नी जो 7 घंटे का होगा, मैक्स तो 7.5 घंटे का होगा. दैट तो ये लॉजेंस जो है मेरे भानुमती के पिटारे से निकला है. अब एक मैंने जॉय को दिया है, देखते हैं रिएक्शन क्या है. अभी क्या मेरी होम मिनिस्टर मेरे साथ ना एक्सपेरिमेंट कर रही है, पता नहीं. देख चक्के बताते हैं, रुकिए. कैसे है? अच्छा है. वो पान पसंद होता था ना, पान पसंद के जैसा है फ्लेवर. वो गुलकंद लग रहा है, पान खा रहे गुलकंद डाल के. ये हमारी गूगल आंटी कह रही है कि चेयर वंदावसी पोलू रोड से एक राइट डिविएशन लेके हम लोग चले गए. हाँ, तो ये स्टेट हाईवे 5 है. ये देखो नीला, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर्स. वाओ, जाइगेंटिक मशीन. देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाना. क्रॉस, इट्स अ जाइगेंटिक पीस ऑफ मशीनरी. ये देखो ये हार्वेस्टर है, ये पूरा. इधर से हम लोग राइट लेंगे गांधी रोड के लिए. थोड़ा सिट, थोड़ा टाउन के बीच से गुजरना पड़ता है इसको. अरनी चेयर वंदावसी पोलूर रोड से अभी गांधी रोड ले रहे हैं हम लोग. अभी क्या है इधर ना, एक्चुअली नो एंट्री करके रखा है, लेकिन अगर आप लोग जाके उधर पुलिस खड़ी है, पुलिस को अगर बोलोगे तो वो लोग जाने देंगे. अभी हम लोग ले रहे हैं वो नो एंट्री. हम लोग ये जो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ये है वंदावसी, वंदावसी मार्केट के थ्रू हम लोग जा रहे हैं. हाँ, काफी नैरो है रोड, टाइम भी लग जा रहा है इसीलिए, पर ठीक है. यहाँ से पुडुचेरी और 74 किलोमीटर हम लोग ले रहे हैं यहाँ से लेफ्ट. अभी जो हम लोग हैं तिंडीवनम वंदावसी रोड पे. ये एक्चुअली मनमपति कूट रोड भी बोला जाता है इसको. हाँ, लेकिन बोला जा रहा है अभी कि पांडिचेरी पहुंचने के पहले कुछ 12-13 मिनट का कंजेशन है नेशनल हाईवे पे. अभी जाके देखते हैं क्या चल रहा है. हाँ, बिल्कुल. और यहाँ से पांडिचेरी अराउंड 60 किलोमीटर है और हमारा रिजॉर्ट अराउंड 72 किलोमीटर है. हाँ, अभी क्या है इधर एक डाइवर्शन आती है. लेफ्ट हैंड साइड से आपको मनमपति कूट रोड लेना पड़ेगा. ये देखिए हम लोग अभी ले रहे हैं, इधर दिखा भी रहा है. ये जो हम लोग डाइवर्शन लिए राइट, ये मनमपति कूट रोड से है. एक्चुअली क्या है वो डाइवर्शन में अगर आप राइट में जाओगे तो मनम के थ्रू आपको पांडिचेरी जाना पड़ेगा. और एक रूट है जो उसमें टोल रहता है राइट. तो ये जो रूट हम लोग फॉलो कर रहे हैं मनमपति कूट रोड, इसमें कोई टोल नहीं है तो आप आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. रास्ता भी ठीक ठाक है, बड़ा है जैसे आप देख रहे हैं. ये है NH 32. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स NH 179B. वेरी नाइस, सही है रोड. ट्रैफिक अभी कभी कोई झंझट नहीं है. ये अभी हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं टू नेशनल हाईवे 179B. देखो नीला, ये मिनरल वाटर का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है ना अभी. कोई भी कंपनीज जो है अभी स्टार्ट किया था बिस्लरी ने, उसके बाद अभी कोई भी कंपनीज देखो ये मिनरल वाटर का बिजनेस में अभी चल रहा है. बोला जा रहा है कि जैसे सब साइंस फिक्शन राइटर्स लिखते हैं ना कि वाटर विल इवेंचुअली बिकम द मोस्ट प्राइसलेस रिसोर्स फॉर अस, ड्रिंकिंग वाटर दैट. ये हमारा फिफ्थ टोल, फिफ्थ एंड फाइनल होगा शायद. हाँ, जस्ट 9 किलोमीटर सी है यहाँ से. और ये पहुंच गए हम लोग पुडुचेरी. टिंकरिंग पुडुचेरी. अभी हम लोग आ गए हैं फिश ऑरेंज पे. अगर आप सी फूड लवर हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, बढ़िया से सारे आइटम्स मिलेगा. साथ में वी आर ऑल्सो टेकिंग द गोली सोडा, सो वी ऑर्डर्ड द फूड. एज सून एज इट कम्स विल शो यू.
और अभी के लिए तो यहाँ का स्पेशलिटी कोली सोडा से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसन बा बढ़िया बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है नीला। ये आ गया है हमारा सी फूड प्लैटर। ये हम लोगों ने लिया हमारा फर्स्ट सी फूड प्लैटर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन थी। चलो चलते हैं। विद अ लिटिल बिट ऑफ मेयोनेज आई थिंक दिस इज बहुत ही बेहतर। दिस आई थिंक इज फिश 65 के जैसा। और ये हम लोग को मिल गया हमारा रूम 104। और एक छोटी सी रूम टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का सामान रख दिए टेबल के ऊपर। ये एक छोटा सा अलमीरा जैसे है विद अ मिरर। और यहाँ पे आपका स्मार्ट लॉकर भी है एंड कुछ हैंगर्स है कपड़े रखने के लिए। ये है वॉशरूम, क्वाइट नीट एंड क्लीन है वॉशरूम एरिया। ये है वॉशरूम एरिया। और यहाँ पे है रिमोट एसी की और एक टीवी और साथ में केटल रखा है, टेबल है, ये एक छोटा सा फ्रिज भी दिया है, एक चेयर एंड टेबल अलग से, एंड दिस इज आ बेड। ये कुछ लाइट्स है। इतनी गर्मी तो है नहीं अभी यहाँ पे, सो क्वाइट प्लेजेंट वेदर। और जस्ट आप यू नो दरवाजे से बाहर जाओगे तो आपको एक ग्रीनरी, एक सिटिंग एरिया मिलेगी, ये देखिए। एंड जस्ट बिहाइंड द सिटिंग एरिया देयर इज़ अ स्विमिंग पूल विच ऑपरेट्स फ्रॉम 7 इन द मॉर्निंग टिल 7 इन द इवनिंग।